हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एसएमडी के कोने और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, पिछले वाले वीडियो में कमेंट से आप लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्व किया था। आज भी इस वीडियो में आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूँ। एक भाई ने यहाँ पर कमेंट किया है, एसएमडी भाई प्लीज़ एक वीडियो बना दो जिसमें सब कुछ रोटेशन ड्रैग के बारे में और ऐसे ही हेडशॉट के बारे में बहुत सारे कॉमेंट्स भी आए थे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों का जो हेडशॉट का प्रॉब्लम है और रोटेशन ड्रैग का फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख कर जाना। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक करना भी मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बटन में क्लिक करके बाजू वाला जो बेल आइकन आता है ना उसको ऑल पे सेट करना भी मत भूलना। तो ये रोटेशन ड्रैग परफेक्टली यूज करने के लिए आपको ये चार पॉइंट ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। एक है कैरेक्टर पोजीशन, उसके बाद है एम पोजीशन, और उसके बाद है फिंगर पोजीशन, और एक करेक्ट टेक्निक। इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके आप एकदम परफेक्टली हेडशॉट लगा सकते हो रोटेशन ड्रैग से। तो आइए बात कर लेते हैं ये स्टेप्स को कैसे फॉलो करें। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कैरेक्टर पोजीशन। इसको कैसे यूज करें, आपका जो कैरेक्टर पोजीशन क्या होना चाहिए रोटेशन ड्रैग के टाइम। आपका जो कैरेक्टर है वो जब भी आप लोग जॉयस्टिक के साथ आप लोग एम करो, एम करती जब आपका शूट करने का टाइम होता है उस वक्त आपको जॉयस्टिक को छोड़ देना है। जॉयस्टिक को छोड़ कर उसके बाद आपको शूट करना है। तो आप लोगों से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जॉयस्टिक पकड़ के भी तो बहुत सारे लोग रोटेशन ड्रैग का यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉयस्टिक यूज़ करने से आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या होगा, आपका रोटेशन ड्रैग सर के ऊपर से चला जाएगा जब भी आप लोग शूट कर रहे होंगे जॉयस्टिक यूज़ करने के बाद। ठीक है, अगर आप लोग जॉयस्टिक को छोड़ के यहाँ पर स्टिल खड़ा होकर शूट करोगे, रोटेशन ड्रैग करोगे, और उसके बाद आपका जो हेडशॉट है वो ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा आपका हेडशॉट लगने का चांस। तो यही करना है आपको, जब भी आप लोग शूट करते टाइम आपको क्या करना है, जॉयस्टिक को छोड़ देना है, और उसके बाद जॉयस्टिक को जब शूट करना हो जाए तब आपको जॉयस्टिक को पकड़ के दूसरा शॉट के लिए रेडी हो जाना है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट, एम पोजीशन। एम पोजीशन भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हेडशॉट लगाने के लिए। आप अगर गलत एम पोजीशन लगोगे, एक तो गलत एम पोजीशन से आपका जो एम है वो ऊपर चला जाएगा या फिर बॉडी शॉट लग जाएगा। तो एम पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है। तो एम हम लोग कहाँ पर सेट करें जिससे कि हमारा जो रोटेशन रहेगा एकदम परफेक्टली सेट हो जाए और परफेक्टली एनिमी को हम लोग किल कर सके। सो एम पोजीशन हमारा पूरा का पूरा डिपेंड करता है यहाँ पर रोटेशन ड्रैग हम लोग किस डायरेक्शन से कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को दो टाइप का रोटेशन ड्रैग करना है, एक है फुल रोटेशन ड्रैग और दूसरा है स्ट्रेट रोटेशन ड्रैग। और कौन सा ड्रैग कौन से एम पोजीशन में करना है ये आपको पहले बता देता हूँ। सो अगर आप लोग फुल रोटेशन करना चाहते हो तो आपका एम यहाँ पर होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। अगर आप लोग राइट साइड से फुल रोटेशन ड्रैग ऐसे करते हो तो आपका क्या होगा, एम डायरेक्टली जाकर हेड पर जाकर चिपक जाएगा जब भी आप लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एनिमी के हेड की तरफ रोटेट करोगे। तो आपको फुल रोटेशन तभी करना है जब आपका एम लेफ्ट साइड की तरफ हो और वाइट हो, याद रखना ये। सो सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेट रोटेशन आप लोगों को कौन से टाइम करना होगा। तो आपका जब एम एनिमी के नीचे की डायरेक्शन में होगा इस जगह पे, तब आप लोगों को स्ट्रेट रोटेशन ड्रैग करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जब एम एनिमी के नीचे होगा तो आप जब भी स्ट्रेट रोटेशन करोगे तो नीचे से डायरेक्टली ऊपर की तरफ एनिमी के हेड की तरफ जाकर चिपक जाएगा जब भी आप स्ट्रेट रोटेशन करोगे। सो अभी आप लोगों को पता चल गया है कि कहाँ पर एम सेट करना है कौन से ड्रैग के टाइम। अभी बात कर लेते हैं रोटेशन ड्रैग और स्ट्रेट रोटेशन ड्रैग काम कैसे करते हैं, हैंड कैम के साथ आप लोगों को समझा देता हूं। ये दोनों रोटेशन ड्रैग ठीक से यूज करने के लिए आपका जो फिंगर पोजीशन है वो ठीक टाइप का होना चाहिए। तो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है फिंगर पोजीशन। तो यहाँ पर फिंगर हम लोगों को क्या रहना चाहिए, आप लोग अगर स्ट्रेट फिंगर यूज़ करोगे, यानी यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हो ऐसे यूज़ करोगे, तो आपका बॉडी शॉट लगने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को बॉडी शॉट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेंड करके अपने थंब को यूज़ करना है, और थंब का आगे वाला पोर्शन आप लोगों को हेडशॉट के लिए यूज़ करना है, जिससे कि आप एकदम परफेक्टली ड्रैग कर पाओ और आप लोगों का परफेक्टली हेडशॉट लग पाए। सो गाइस अभी चलते हैं चौथा नंबर पॉइंट, वो है करेक्ट टेक्निक। तो फुल रोटेशन ड्रैग एंड स्ट्रेट रोटेशन ड्रैग कैसे करते हैं, करेक्टली कैसे करते हैं, और फिंगर पोजीशन सही रख के वो कैसे करें, आइए हैंड कैम के साथ आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो पहले हम लोग स्ट्रेट रोटेशन टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेट रोटेशन में आप लोगों को क्या करना है, आपका कैरेक्टर पोजीशन एंड एम पोजीशन जब स्ट्रेट रोटेशन टेक्निक के लिए सही हो जाए, तब आप लोगों को क्या करना है, अपने थंब को बेंड करना है और थंब का आगे वाला पोर्शन से फायर बटन के आगे वाले पोर्शन को पकड़ना है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ से रोटेट करके एनिमी के हेड की तरफ यानी सीधा ऊपर की तरफ उठा देना है, और जिससे कि हेडशॉट एक तगड़ा वाला लग जाए।
सो अभी बात कर लेते हैं फुल रोटेशन टेक्निक की। तो इस टेक्निक में आपका कैरेक्टर पोजीशन एंड एम पोजीशन जब सही से सेट हो जाए तब आपको क्या करना है, थंब के आगे वाले पोर्शन से फायर के बीच वाले पोर्शन को पकड़ना है और उसके बाद एक फुल रोटेशन करना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको फुल रोटेशन करना है और आपका एम जाकर सीधा एनिमी के हेड के जाकर चिपक जाएगा और आपका ऐसे ही एक हेडशॉट लग जाएगा। तो ये चारों पॉइंट मैंने कवर अप कर दिया है और ये चारों पॉइंट मिला के एकदम फुल वीडियो हो चुका है रोटेशन ड्रैग के बारे में, आप लोगों को पता चल चुका है। लेकिन इस वीडियो में कोई सा भी गलती आपको नज़र आई हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। और अपना कोई सा भी प्रॉब्लम हो ना तो कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।